मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को मदारी बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों कांग्रेसी नेता झूठ बोलने का हर दम काम करते हैं और दोनों इकट्ठे होते हैं, रात को मिलते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि तुम ये डमरू बजाना और मैं ये डमरू बजाऊंगा, तुम ये झूठ बोलना और मैं ये झूठ बोलूंगा। दोनों अलग अलग रास्ते पर निकलते हैं और झूठ बोलने लगते हैं। लोगों को इनके जाल में फंसना नहीं चाहिए। ये लोग तोते को जाल में फंसा कर तोते को रटाते हैं और ये वो मदारी हैं जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये झूठ बोलने वाले मदारी, ये दोनों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों मदारी, ये इकट्ठे होते हैं, रात को मिलते हैं, फिर योजना बनाते हैं कि तुम ये डमरू बजाना, तुम ये डमरू बजाना, मैं ये झूठ बोलूंगा, तू ये झूठ बोलना, और दोनों अलग अलग रास्तों में दिन भर झूठ बोलने लगता है। इनके जाल में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो वो तोते को जाल में फंसा करके फिर तोते को रटाते हैं। ये वो मदारी है जो 24 घंटे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी इनके नेता ने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे और कर्जा माफ अगर नहीं होगा तो मैं 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। ये झूठ बोलने वाले श्रीमान राहुल गांधी जी, इस मध्य प्रदेश में किस मुंह से किसानों के पास, जनता के पास जाओगे?